नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो HSC जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इसके द्वारा हाल ही में क्लर्क वालों के लिए सेंट्रल अलॉट जय किए गए थे, उसके बाद उनकी जो रिजल्ट डिटेल जो आ चुकी है और जिसमें जो आपके किस में कितने मार्क्स मिले आपको, टोटल कितने हैं और जो स्क्रूटनी वगैरह हुई थी एक्सपीरियंस के, तो सभी को डिटेल जो ये आ चुकी है। और अगर आप अपना रिजल्ट डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस समय हम ये जो HSC जो है इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं और इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर पब्लिक नोटिस में आपको ये सभी नोटिस दिखाई देंगे और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी और डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर है। तो दो पेज में आपका जो रिजल्ट है ये जारी हुआ है, तो पहले जाओ आपका ये 19 नंबर वाला जो है इसको देख लेते हैं और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज है यहाँ पर 1315 और ये रोल नंबर, रिटर्न स्टेटस है और रिटर्न में कितने मार्क्स लगे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो हाल ही में सेंटर पे अलॉट हुए थे तो उसके बाद जारी हुआ है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। पेज ज़्यादा होने के कारण हम जो सभी पेज को नहीं देख पाएंगे, तो एक बार जो लास्ट वाला जो पेज है उसको भी देख लेते हैं। तो ये आपके नंबर 2 और नंबर 3 पर, तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं डिटेल शॉर्ट लिस्ट फॉर स्क्रूटनी फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। तो यहाँ पर ये स्क्रूटनी के लिए जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनकी सूची है, ये देख सकते हैं आप, डिटेल शॉर्ट लिस्ट फॉर स्क्रूटनी फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, ये एडवर्टाइजमेंट और कैटेगरी और लिंक यहाँ पर है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये नोटिस आ जाएगा और ये रिजल्ट आपका आ चुका है। ये है आपका 801 पेज में। अब आप इसमें देख सकते हैं किसकी यहाँ पर स्क्रूटनी हुई है, ये रोल नंबर है, रिटर्न में कितने नंबर लगे हैं, स्क्रूटनी में कितने नंबर हैं, कोई एलिजिबल है या कोई एब्सेंट दिखाया गया है, नो गवर्नमेंट जॉब के कितने नंबर मिले हैं, फादरलेस के, डीनोटिफाइड के, एक्सपीरियंस के और यहाँ पर टोटल वाला कौन यहाँ पर एलिजिबल हुआ है या नॉट एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एलिजिबल 46 वाला भी एलिजिबल यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इसमें 46 वाला और उसके बाद एलिजिबल इन BCA और ये 33 वाला है यहाँ पर एलिजिबल और कैटेगरी है इसकी BCA की, तो वैसे यहाँ पर ये 48 वाला है, तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर एलिजिबल है ये 35 वाला और ये 34 वाला यहाँ पर एलिजिबल दिखाया गया है इन जनरल में। तो ये लिस्ट आप जा चेक कर सकते हैं अपना रोल नंबर और रिजल्ट मार्क्स डिटेल देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं और ये स्क्रूटनी वाला जो रिजल्ट है ये अलग से यहाँ पर जारी हुआ है, तो ये इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे चेक कर सकते हैं। एक बार हम जो है लास्ट वाला पेज यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर लास्ट वाला जो है पेज है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 32 वाला एलिजिबल है 80 में और ये भी 80 के हैं यहाँ पर। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, इस तरीके से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं स्क्रूटनी में और वैसे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसे सबसे पहले पाने के लिए और हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद।